नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर के बारे में, और साथ साथ में जानेंगे सिंपल कार्बोरेटर की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एज फार एज GTU एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट वन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, अगर आप मुझे जानते हैं तो प्लीज वीडियो को एक मिनट आगे लेके जाइए ताकि मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए और आप डायरेक्टली लेक्चर में पहुंच जाए। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो पहले आप मुझे इस वीडियो में जान लीजिए और बाकी के वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन स्किप कीजिएगा। माइसेल्फ जयवीर शाह, आई एम हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग as an assistant professor at Virayatan Institute of Engineering, which is affiliated by GTU, AICT and UGC. My qualifications are BE Mechanical with 9.47 CPI. During my bachelor's, I got 3 times 10 out of 10 SPI. Master's in Automobile with 9.12 CPI. Post-graduation diploma in Intellectual Property Right with top in Gujarat, 9.12 CPI, as well as Indian Patent Agent. My Indian Patent Agent number is 3339, and an influencer, YouTuber, also PhD pursuing candidate. Currently, I am in a final years of my PhD. Now, let's discuss about different types of कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर और जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोरेटर। ये लेक्चर होने वाला है हिंदी एंड इंग्लिश में, और इससे पहले 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको 20 लेक्चर्स देखने हैं, सीखने हैं, तो आप पर्टिकुलरली इस वीडियो को एंड कर सकते हैं, और एंड के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आईसी इंजन की भी मिलेगी और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की भी मिलेगी। अगर आपने अभी तक आईसी इंजन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उससे पहले प्री रिक्विजिट है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट, उसको आप पढ़ लीजिएगा, बाद में ही इसमें एनरोल कीजिएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो किस स्टूडेंट के लिए है, 7th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैकेनिकल में अंडर GTU, 7th सेमेस्टर मैकेनिकल GTU, और उसमें ICNG सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल। पहले मैं टाइटल लिख देता हूं। द टाइटल इज अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड साइड ड्राफ्ट। तो क्या है टाइटल? अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड साइड ड्राफ्ट। ऑफ सिंपल कार्बोरेटर कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें समझना है कि कार्बोरेटर बनता कैसे है। तो कार्बोरेटर के लिए मैं पहले 3 फिगर बना लेता हूं यहां पर। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अप ड्राफ्ट को। ये अप, डाउन और जो साइड है, जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट क्या इंडिकेट करते हैं, सॉरी, वो ड्राफ्ट इंडिकेट करते हैं किस डायरेक्शन से एयर को भेजा जा रहा है, किस डायरेक्शन से एयर को भेजा जा रहा है। अगर आपने ये लाइन समझ ली तो आप समझ लीजिए कि आपने आसानी से क्रैक कर लिया व्हाट डू यू मीन बाय अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड साइड ड्राफ्ट। बट इतना ही जानना समझने के लिए अच्छा है। जब हम एग्जामिनेशन में किसको आंसर दे रहे हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं फिगर बना रहा हूं, और फिगर आपको भी बनानी है साथ साथ में नोट और पेन लेके। तो अभी मैंने एक सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, तो सिलेंडर बन चुका है। सिलेंडर के साथ अब मैं वेंचुरी बना रहा हूं,
आपको मुझे अभी पता चल गया होगा क्योंकि हमने ये 21st लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने 18, 19 एंड 20 लेक्चर्स के अंदर सिंपल कार्बोरेटर देखा था, उसका कंस्ट्रक्शन देखा था और साथ में उसका एनालिसिस भी किया था, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 18, 19 एंड 20 नंबर के लेक्चर्स देख लीजिए। ये वेंचुरी एक्चुअली किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि हमें फ्लो मिल सके। किसका? फ्यूल का फ्लो मिल सके, फॉर दैट पर्पज। ओके, तो मैं फ्यूल के लिए एक नोजल बना देता हूं फ्रॉम दिस साइड। ओके, लाइन से बनानी पड़ेगी। ये मैंने नोजल बना दिया। नोजल एक्चुअली वेंचुरी के अंदर ही आनी चाहिए, दैट यू नीड टू नो। ओके, अब ये समझने के लिए कि व्हाट इज अप ड्राफ्ट, व्हाट इज डाउन ड्राफ्ट एंड व्हाट इज साइड ड्राफ्ट, हमें एयर की जो फ्लो है उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो एयर की फ्लो को हम डायरेक्ट करते हैं। एयर की फ्लो कहाँ से कहाँ जा रही है ये समझिएगा अप ड्राफ्ट के लिए। ये हमारा एयर का फ्लो डायरेक्शन है, सो दैट इज कॉल्ड अप ड्राफ्ट। आप समझ चुके होंगे, यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रही है। ये क्या फ्लो हो रहा है? एयर यहां से इन हुई, यहां से आउट हुई, और साथ साथ में क्या होगा, जब भी ये एयर इस वेंचुरी से जाएगी, इस वेंचुरी के अंदर से जाएगी, तो वेंचुरी एक्चुअली क्या करती है, वेंचुरी वेलोसिटी ऑफ एयर को बढ़ा देती है। और वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ने की वजह से एक्चुअली होता क्या है कि प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द मेन बेसिक फंक्शन ऑफ द वेंचुरी और नोजल, व्हाट एवर यू कैन से। बट जब भी ये नोजल की तरफ से एयर जाएगी तो ड्यू टू सडन एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, और सक्शन प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहां से फ्यूल भी बाहर आएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि यहां से फ्यूल भी बाहर आएगा। सो एक्चुअली यहां पर एयर एंड फ्यूल ये दोनों चीजें बाहर आएगी। ओके, इसके साथ में क्या कहूं कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये है फ्यूल नोजल। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो ये क्या है, ये है फ्यूल नोजल एंड दिस सेक्शन इज पर्टिकुलरली, ये जो बीच में छोटा सेक्शन हो रहा है वो क्या है, वेंचुरी इफेक्ट या वेंचुरी सेक्शन। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब ये भी आप समझ गए कि व्हाट डू यू मीन बाय अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। अगर मुझे समझना है डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर के बारे में तो हम वो भी समझ लेते हैं। यहां पर से पहले फ्यूल आएगा, फ्यूल कहां से आएगा, फ्यूल आएगा फ्रॉम फ्लोट चेंबर, और फ्लोट चेंबर में फ्यूल कहां से आएगा, फ्लोट चेंबर में फ्यूल आएगा टंकी में से, और फ्लोट चेंबर में जो फ्लोट रहता है उससे ये जो नोजल है उसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी, कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा क्यों। फ्लोट की जो फ्लोट के अंदर जो फ्लोट चेंबर के अंदर जो फ्यूल का जो लेवल है उस लेवल से ये जो फ्यूल नोजल है उसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, क्यों, व्हाई, ये समझा दीजिएगा। तो ये पूरा हमें एक्सप्लेन करना है अबाउट अप ड्राफ्ट। अब मुझे लगता है कि आप आराम से डाउन ड्राफ्ट बना सकते हो और डाउन ड्राफ्ट क्या है वो मुझे समझा सकते हो, बट अभी भी ये फिगर आधी है। क्यों आधी है, क्योंकि अभी तक हमने
थ्रोटल वाल्व की पोजीशन और चोक वाल्व की पोजीशन नहीं बताई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। अगर आपने 18, 19 एंड 20 लेक्चर परफेक्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अब थ्रोटल वाल्व कहां पर आएगा और चोक कहां पर आएगा। यस यू आर राइट, थ्रोटल वाल्व कहां पर आएगा, थ्रोटल वाल्व वहां पर आएगा जहां पर एयर एंड फ्यूल दोनों मिल रहे हैं, और चोक कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर एयर आ रही है वहां पर। सो यहां पर मैं बना दूं, एक लाइन में बना रहा हूं यहां पर, ये किस वाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाल घूमेगा, ऐसा मत समझिएगा घूमेगा नहीं, ये घूमेगा। अभी मैंने चोक बंद करके रखे हैं, चोक देके रखा है ऐसा समझ लीजिए, ब्लॉक करके रखा है, तो दिस इज कॉल्ड चोक वाल। एंड जो थ्रोटल वाल्व है वो कहां पर आएगा, तो थ्रोटल वाल्व की पोजीशन यहां पर आएगी। दिस इज द परफेक्ट फिगर फॉर व्हाट, फॉर अपड्राफ्ट। ये फिगर हमने किसके लिए बनाई है, लिख देते हैं यहां पर हम अपड्राफ्ट टाइप सिंपल कार्बोरेटर। ओके, तो डाउन ड्राफ्ट के लिए आपको मुझे फिगर बना के व्हाट्सएप करनी है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास भी मेरा नंबर है, दैट विल बी योर टास्क फॉर दिस लेक्चर। अब हम समझते हैं साइड ड्राफ्ट के बारे में, और साथ में अगर आप क्रिटिकली सोचेंगे ना, तो डाउन ड्राफ्ट में हमें छोटा सा एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है, क्योंकि डाउन ड्राफ्ट में एयर की जो फ्लो है वो आ रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसी वजह से हमें एडवांटेज मिलता है कि हम ग्रेविटी को यूज कर सकते हैं। एंड ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रेविटी, जो सक्शन के टाइम पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपड्राफ्ट टाइप कार्बोरेटर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम साइड ड्राफ्ट के बारे में। तो साइड ड्राफ्ट के लिए फिर से मैं फिगर बना लेता हूं। साइड ड्राफ्ट में चोक की और थ्रोटल वाल्व की पोजीशन किसी भी साइड पे हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप साइड वाल्व साइड टाइप में कोई एक जगह पर थ्रोटल वाल्व यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख लें। तो सबसे पहले चलिए यहां पर वेंचुरी बना लेते हैं इन द सेम मैनर। लेट्स प्रिपेयर अ वेंचुरी हियर। ओ ओ जस्ट अ मिनट, येलो कलर की लाइन हो गई, चलिए हम उसको रब कर देते हैं। फिर से एक लाइन बना लेते हैं, ये वेंचुरी सेक्शन मैंने बना लिया। अब यहां पर हम फ्यूल नोजल को रख देते हैं। ये फ्यूल नोजल भी आ गई, अब डायरेक्शंस तो आपको पता ही है, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं डायरेक्शंस बना देता हूं। तो एयर यहां से इन हो रहा है, एयर यहां से आउट हो रही है, फ्यूल फ्यूल भी यहां से आउट हो रहा है, इसी वजह से
हमारा जो थ्रोटल वाल्व रहेगा वो इस केस में, इस साइड ड्राफ्ट के लिए थ्रोटल वाल्व में, चलिए इस बार ओपन रखता हूं थ्रोटल वाल्व को थोड़ा सा, तो ये थ्रोटल वाल्व ओपन रहेगा और ये चोक वाल्व जो है इसको भी थोड़ा सा ओपन रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ओपन किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए ये ओपन हो गया। अब सारी चीजों को हमें डिफाइन करना है। देखिए नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, जब भी आप फिगर बना रहे हैं नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। ये फ्यूल हम बता रहे हैं यहां पर, ये एयर बता रहे हैं, इसे हम कहते हैं थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व एयर एंड फ्यूल दोनों को सप्लाई करता है कहां पर, इंजन में। और एयर एंड फ्यूल आप कैसे समझेंगे, जैसे हम एक्सेलरेटर देते हैं ना, तो एक्सेलरेटर एग्जैक्टली हम एक्सेलरेटर जो बोल रहे हैं वहां पर हम थ्रोटल वाल्व को ओपन कर रहे हैं। जैसे हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो थ्रोटल वाल्व ज्यादा ओपन होगा। ये चोक वाल्व है, ये भी एयर है, एयर इन हो रही है यहां पर। ये कार्बोरेटर की केसिंग है, या इसको आप एनक्लोजर बोल सकते हैं कार्बोरेटर का, या आप कह सकते हैं कि सिलेंडर ऑफ द कार्बोरेटर। यहां से फ्यूल एंटर होगा और ये जो भाई साहब है वो है फ्यूल नोजल। अगर आपने ढंग से ये लेक्चर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन सा पार्ट अभी मेंशन नहीं किया है। वो भी आप कमेंट में लिख के भेजिएगा कि मैंने कौन सा पार्ट इस फिगर में मेंशन नहीं किया है जो करना चाहिए एक्चुअली। और इसका नाम लिख देते हैं हम, इसको कहेंगे हम साइड ड्राफ्ट। सेंटर पे ले लेते हैं, अच्छा लगे इसलिए। तो ये हो गया हमारा साइड ड्राफ्ट। तो अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड साइड ड्राफ्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स बिगिन विद द लिमिटेशंस ऑफ द सिंपल कार्बोरेटर। तो सिंपल कार्बोरेटर की लिमिटेशंस क्या क्या है, अब ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल कार्बोरेटर की लिमिटेशंस क्या क्या है। ओके, सबसे पहले इस जो 18 एंड 17 लेक्चर्स को छोड़ दीजिए, उससे पहले 16-15 की बात करते हैं। तो 16 एंड 15 लेक्चर में हमने कुछ कंडीशन पे कैसा एयर फ्यूल रेशियो चाहिए उसके बारे में बात की थी, उसको याद करते हैं। तो लिमिटेशंस में हमें क्या क्या लिखना है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस पॉइंट नंबर वन, आइडलिंग कंडीशन में हमें क्या चाहिए, रिच मिक्सचर चाहिए। अगर आपने ये नहीं पता है कि आइडलिंग के केस में क्यों रिच मिक्सचर चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 14, 15 एंड 16 लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइडलिंग के केस में हमें क्या चाहिए, रिच मिक्सचर चाहिए। और रिच मिक्सचर के लिए या तो एयर कम होनी चाहिए या तो फ्यूल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। और अगर मैं कहूं कि लो स्पीड हो, जब आइडलिंग कह दो, आइडलिंग यानी कि जब हम गाड़ी को ऐसे ही खड़ा करते हैं, कोई चलाता नहीं है, जैसे कि हमने पार्किंग लाइट ऑन हो चुकी है और हमने गाड़ी को चालू रखा है, सो दैट इज कॉल्ड आइडलिंग कंडीशन। तो आइडलिंग कंडीशन बोल लो या फिर लो स्पीड बोल लो, इन दोनों में हमें रिच मिक्सचर चाहिए। और वो रिच मिक्सचर प्रोवाइड नहीं हो पाता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा थ्रोटल वाल्व होता है आइडलिंग कंडीशन पे, या लो जो आप लो स्पीड बोल रहे हो वहां पर आप सोचो कि एक्सेलरेटर आप कम दे रहे हो कि ज्यादा दे रहे हो, कम दे रहे हो। एक्सेलरेटर कम देना यानी थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व इज इक्वल्स टू एक्सेलरेटर। अगर आपने थ्रोटल वाल्व को कम रखा ओपन, तो एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन को कैसा पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। तो सिंपल कार्बोरेटर आइडलिंग में और लो स्पीड में रिच मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर थ्रोटल वाल्व थोड़ा सा ही खुला होता है। सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड वन, सडन एक्सेलरेशन। जैसे कि हम कोई कार को ओवरटेक कर रहे हैं या कोई बाइक को या कोई व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, तो हम सडनली हम एक्सेलरेट करते हैं, जब सडनली फ्रॉम जीरो टू डायरेक्ट 3000 RPM ऑफ द इंजन स्पीड, तो वहां पर भी हमें रिच मिक्सचर सडनली चाहिए और वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है ड्यू टू द सेम इफेक्ट, क्योंकि पहले वहां पर कम एयर फ्यूल रेशियो जा रहा था, अब उसको सडनली उसने थ्रोटल वाल्व तो ओपन कर दिया बट उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा
फ्यूल नोजल के पास वेंचुरिंग थ्रू के जिससे वो एट अ टाइम फ्रॉम जीरो टू ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड कर पाए. सो दैट इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ इट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड वन लिमिटेशन. जो लिमिटेशन है दिस इज अवर फर्स्ट लिमिटेशन. यहां पर मैं सेकंड लिमिटेशन लिख देता हूं और थर्ड लिमिटेशन में यहां पर लिख रहा हूं. तो जो थर्ड लिमिटेशन है उसको समझिएगा. थर्ड लिमिटेशन है हाई स्पीड से रिलेटेड. थर्ड लिमिटेशन जो है वो है हायर स्पीड से लिमिट, हायर स्पीड से रिलेट कर रही है. हायर स्पीड पे एक्चुअली हमें क्या चाहिए? हायर स्पीड पे टोटल वाल्व परफेक्टली ओपन है, यानी कि रीच मिक्सचर हमें मिल रहा है. बट क्या हमें हायर स्पीड पे रीच मिक्सचर चाहिए? क्योंकि हायर स्पीड पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट है एक, तो हायर स्पीड पे हमें इतना रीच मिक्सचर नहीं चाहिए. बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर ये जो वेंचुरी है वहां पर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, और ज्यादा क्रिएट होगा, और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बढ़ेगी. मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बढ़ेगी. हायर स्पीड जैसे होगी एक सस्टेन करेगी हायर स्पीड, जैसे कि आपने 40 से लेके 80 पे अभी आप गाड़ी चला रहे हो. पहले 40 पे चला रहे थे, लो स्पीड को आप 40 समझ लीजिए, हाई स्पीड को आप 80 या 100 समझ लीजिए. तो 80 या 100 पे जैसे ही आप गाड़ी चलाएंगे, अगर सिंपल कार्बोरेटर है तो वो सिंपल कार्बोरेटर यहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करेगा, और वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बढ़ेगा एज कंपेयर टू मास फ्लो रेट ऑफ एयर. यानी मास फ्लो रेट ऑफ एयर तो उतनी जा रही है बट फ्यूल ज्यादा जा रहा है. इसको कहेंगे हम रीच मिक्सचर प्रोविजन. तो रीच मिक्सचर मिलेगा इंजन को जो रिक्वायर्ड नहीं है. सो दैट आर द डिफिकल्टीज और दैट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सिंपल कार्बोरेटर, और उसको ही सोल्व करने के लिए मॉडर्न कार्बोरेटर इंट्रोड्यूस किए गए हैं. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. आई होप कि आपको पता चला होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड साइड ड्राफ्ट. आपको डाउन ड्राफ्ट मुझे भेजना भी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बनाकर. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.